हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज 28 अगस्त है और आज हम बात करेंगे बरसात के मौसम में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाले एक ऐसे प्लांट के बारे में जिसका नाम ही रेन लिली है। नाम से ही पता चल जाता है ये जो प्लांट है ये बरसात के मौसम में ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। बारिश का पानी इस पौधे को बहुत पसंद है, इसलिए इस पौधे को बारिश में ज़रूर रखिए। जितनी बारिश आप इसमें लगाएंगे, जितना पानी आप इसमें देंगे, उतना ही ये बढ़िया फ्लावरिंग करेगी। दूसरा, इसके फ्लावर्स जो हैं डिपेंड करेगी इसकी जो फ्लावरिंग है कि इसके जो बल्ब हैं वो कितने मैच्योर हैं, क्योंकि ये बल्ब से उगने वाला पौधा है, तो इसके बल्ब को मैच्योर होने दीजिए और तभी ये पौधा अच्छी फ्लावरिंग करने लायक हो जाएगा। बहुत अच्छी फ्लावरिंग इस पर लगातार होती रहेगी। अगर आप इसके जो फूल हैं वो जून से अक्टूबर तक खिले रहेंगे, अगर आपने सही तरीके से सॉइल मिक्स में इसे लगा रखा है। वेल ड्रेन सॉइल में आप इसे लगा के रखिए ताकि जो पानी है वो इसकी जड़ों में इकट्ठा ना हो, क्योंकि अगर इसकी जो जड़ें हैं उसमें पानी इकट्ठा हुआ तो जाहिर सी बात है कि इसके जो बल्ब हैं वो गल जाएंगे। बहुत सारे कलर में आप इसे बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, गुलाबी कलर और येलो कलर और ये वाइट कलर में तो पहले से ही मेरे पास है। मेरे पास ये एक ही है और जो पिंक वाला कलर था वो ख़राब हो गया लास्ट ईयर। रेन लिली को ग्रो करने के लिए बहुत बड़ा गमला नहीं चाहिए। इसको अगर आप नॉर्मली गमले में ग्रो करना चाहते हैं तो 7 से 8 इंच का गमला बहुत रहेगा, लेकिन आप इसकी लंबाई वाले गमले की बजाय अगर इसका चौड़े मुंह वाला गमला लेना चाहें तो उसमें ये जो पौधा है वो बढ़िया चलेगा। ये देखिए, मेरा जो गमला है वो ऐसा चौड़े वाला जो गमला है वो है, और इसमें क्या होता है कि इसके जो बल्ब हैं उन्हें अच्छी तरीके से फैलने का और मैच्योर होने का पूरा पूरा मौका मिलता है और पूरा पूरा टाइम मिलता है, जगह भी मिलती है। अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसके पॉट को बार बार मत बदलिए। इसकी जो एक बार आपने पॉटिंग कर दी किसी भी गमले में तो उसे लगातार रखिए, जब तक जो गमला है उससे जो जड़ें हैं बाहर ना आ जाएं, जब तक इस गमले को मत बदलिए। इस पौधे को बार बार रिपॉट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा लगातार आप 15 दिन में एक फर्टिलाइज़र देते रहिए। ये टुक टुक भी ऊपर आ गया है, शैतान। अगर आपके रेन लिली पे फूल नहीं आ रहे हैं और नॉर्मली जो बल्ब से पैदा होने वाले जो प्लांट्स हैं अगर वो फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ इसकी एक ही वजह है कि आपका जो प्लांट है उसमें फास्फोरस की कमी है। और फास्फोरस की कमी करने की पूरी करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी किचन में भी मौजूद हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बाज़ार से परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनमें से एक चीज़ है बोन मील। ये जो हड्डियों मरे हुए जानवर हैं जो उनकी हड्डियों का चूरा, बोन मील बहुत अच्छा स्रोत है फास्फोरस का। दूसरा है SSP, इसे सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से जानते हैं बाज़ार में, तो ये भी आप ले सकते हैं। बोन मील का 10 से 15 ग्राम आप गमले में डाल दीजिए, 7 से 8 इंच के गमले में। SSP को 3 या 4 ग्राम बस डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। इसके अलावा आप बनाना पील डाल सकते हैं, जो केले हैं जब वो सूख जाते हैं तो उसे क्रश करके मिक्सी में उसका पाउडर, या फिर उसे पानी में भिगो के भी आप 24 घंटे के बाद डाइल्यूट करके डाल सकते हैं। और दूसरा आता है अनियन पील। अनियन पील को भी आप पानी में भिगो के 24 घंटे उसके बाद उसका जो फर्टिलाइज़र बन जाएगा उसे दूसरे पानी में मिला के डाइल्यूट करके डाल सकते हैं। अनियन पील में कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा है, तो अनियन पील बहुत बेस्ट फर्टिलाइज़र है किचन से, और आप लगातार अगर डालेंगे तो हर 10 दिन से 15 दिन में आप इसे डाल सकते हैं और अपनी जो फ्लावरिंग है उसका काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। तो इस बरसात आप भी रेन लिली लगाइए और अगली जो बरसात आएगी उसमें आपका जो पॉट है अगर इस तरीके के फर्टिलाइज़र आप डालेंगे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल पर, मुझे लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।